Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot. Expert truth always exposes darkness, guys. तो आज का जो टॉपिक है वो इस तरह से है कि आपके जीवन में कौन आने वाले हैं निश्चित रूप से एंड डेफिनेटली कौन है जो आपके बारे में सोच रहे हैं एंड आपको डेफिनेटली प्रपोज करना चाहते हैं एंड आपको अपनाना चाहते हैं इरेस्पेक्टिव ऑफ योर प्रोफाइल, इरेस्पेक्टिव ऑफ योर कम्युनिटी, क्लास, कास्ट एंड क्रीड. कौन है वो इंसान जिनके लिए सिर्फ और सिर्फ आप ही मैटर करते हैं और कोई नहीं. सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट. मे बी आप जानते हो या नहीं जानते हो. रीडिंग को प्लीज़ लास्ट तक देखिए फॉर द चैनलाइज स्टेटमेंट्स, ठीक है? इससे हमें बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलता है. इनिशियल्स भी हम देंगे. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डू हैव द फोर ऑफ स्वॉर्ड्स. नेक्स्ट वी डू हैव द टेन ऑफ कॉइन्स. दिस इज द टेन ऑफ पेंटिकल्स. यहाँ पे हमारे पास है चैरियट. वी डू हैव द एस ऑफ स्वॉर्ड्स. ओके, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, द हैंग्ड वन. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है द वाइज वन, दैट इज द हायरोफेंट. ठीक है, ओके. सो एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा, कुंभ मिथुन, तुला राशि यहाँ पे इंपॉर्टेंट है. वी डू हैव द चैरियट एज द कैंसर साइन. कर्क राशि यहाँ पे इंपॉर्टेंट है. टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि यहाँ पे इंपॉर्टेंट है. टॉरस, वृषभ राशि यहाँ पे इंपॉर्टेंट है. रोहिणी नक्षत्र एंड कृतिका नक्षत्र आर वेरी इंपॉर्टेंट. पाइशिस यहाँ पे इंपॉर्टेंट है. उत्तर भाद्रपद एंड पूर्व भाद्रपद नक्षत्र इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, एज वेल एज और राइट. अगर कोई भी साइन यहाँ पे नहीं आया, विद वी हैव द पेज ऑफ वैंड्स. सो ऑफ कोर्स आई डू फाइंड कि ये इंसान जो है, ठीक है, थोड़ा मैं इंपॉर्टेंट नंबर्स बता देती हूँ. वी डू हैव द फाइव. फाइव 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 इज वेरी इंपॉर्टेंट. ट्वेल्व, ट्वेंटी वन इज इंपॉर्टेंट. 10 is important, 7 is important and 4 is important. ये इंसान कुछ इस तरह से होंगे. मैं आपको बता देती हूँ कि बहुत ज़्यादा मेहनती, बहुत ज़्यादा लेबोरियस, फिजिकल जॉब, ये इतना ज़्यादा मतलब फिजिकल इनके पास स्टेमिना है कि ये इतने काम को इजीली हैंडल भी कर सकते हैं. उसके साथ साथ हमें चाहिए होता है मेंटल स्टेमिना, क्लैरिटी चाहिए होता है. सपोज किसी को, मैं आपको बता देती हूँ कि किसी को दिया गया है कि यू हैव टू वर्क अराउंड डबल शिफ्ट. हम पकड़ सकते हैं 9 to 5, फिर उसको कंटिन्यू करना पड़ेगा फिर रात भर. अभी उसके पास अगर मेंटल स्टेमिना ना हो, खुद इच्छाएं ना हो, तो वो कभी नहीं कर पाएगा. ये इंसान साफ साफ बता देंगे कि येस आई कैन डू इट. सो ये कर भी दिखाएंगे और जो भी रेस्ट लेना होगा वो कम कर देंगे. ड्यूरेशन ऑफ स्लीप, जो जनरली ऐसा माना जाता है कि हमें अपनी नींद को कंप्लीट करने चाहिए, ये उस नींद को भी कुर्बान करने के लिए तैयार होंगे. व्हाट आई फील लाइक दैट एंड आई डू फील कि ये इंसान की जिंदगी में और इनको रेस्ट चाहिए होगा, बट ये नहीं लेते. जनरली हॉलीडेज ये कम लेते हैं. आदर लेंगे तो एक बार में ले लेंगे और फिर ये क्या करेंगे, अपने ही घर के साथ, फैमिली के साथ समय बिताएंगे. आई डू फाइंड कि दिस इज एक्सट्रीमली अ फैमिली ओरिएंटेड पर्सन. और हो सकता है कि इन फ्यूचर विद द टेन ऑफ कॉइन्स, मतलब टेन ऑफ पेंटिकल्स, विल हैव अ स्टेबिलिटी विद दिस पर्सन. यहाँ पे देखो एक शेरनी है और यहाँ पे सारे बच्चे उसके इर्द गिर्द. बच्चे डिस्टर्ब कर रहे हैं लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है बिकॉज शी इज द मदर. एंड आई डू फाइंड कि योर पर्सन विल बी एज मच एज अफेक्शनेट लाइक अ मदर. दे विल बी वेरी मच केयरिंग, दे विल बी वेरी मच, यू कैन से हैव लॉट ऑफ सिंपैथी फॉर यू. बहुत ज़्यादा आपके लिए वक्त देना. आप अगर डिस्टर्ब भी उनको करोगे तो उनको फर्क उतना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो जिनको हम चाहते हैं अपनी जिंदगी में, अगर वो हमारे साथ 10 बार भी बात करना चाहे, 10 बार भी हमारे ज़िंदगी में थोड़ा इंटरफेयर भी करें, हाँ, नॉट इन अ क्रिटिकल लेवल, तब तो हम सहन कर ही सकते हैं, राइट?
सो ये एक बच्चा और माँ का रिलेशनशिप है। यहाँ पे मुझे नहीं दिख रहा है एडल्ट टू एडल्ट रिलेशनशिप, आई डू फाइंड अ मदर एंड अ चाइल्ड रिलेशनशिप विथ यू, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए ये फर्क पड़ सकता है कि कभी कभी हो सकता है कि उनकी जो रिलेशनशिप पैटर्न से वो चेंज हो जाता है, बदल जाता है, और हो सकता है कि वो एक्स्ट्रा डोमिनेट करना भी शुरू करे। ऑन द अदर हैंड कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि ये इंसान थोड़ा सा आपके ऊपर अपना ही हक जमाने की कोशिश करे, क्योंकि आपने आपको बहुत ज़्यादा पैम्पर करेंगे, राइट, और आप भी उनको अलाउ करोगे कि ये तो मेरा ही बंदा है, ये तो मेरी ही बंदी है, राइट। सो कहीं ना कहीं पे आई डू फाइंड कि मोस्ट कंफर्टेबल टाइम आप उनके साथ बिताओगे। लेकिन एक चीज़ याद हमेशा रखना, जैसे मॉम एंड डैड हमें बहुत ज़्यादा संभालते भी है, मॉम एंड डैड हमारे साथ स्ट्रिक्ट भी होते हैं, राइट, बिकॉज उनको लगता है कि हम सही राह पे नहीं जा रहे हैं, बार बार हमें टोकते रहते हैं, ये करो वो करो वो चीज़ करो ये करो, उस डायरेक्शन में जाओ इस डायरेक्शन में आओ। आप देखोगे कभी कभी अगर इफ़ यू हैव वॉच द टाइगर वीडियोज़ और लायन वीडियोज़ या एनी टाइप ऑफ कैट और डॉग वीडियोज़, आप देखोगे उसके कई सारे बच्चे को ना वो एक ही जगह पे लेके आने की कोशिश करेंगे, बच्चे को आसानी से ना इधर उधर जाने नहीं देंगे, क्योंकि उनको डर लगा हुआ रहता है, इनसिक्योरिटीज़ होता है। किस तरह के इनसिक्योरिटीज़, कोई उसके बच्चे को उठा के ना लेके जाए, कोई उसके बच्चे को, मतलब अगर उसके बच्चे अकेले इधर उधर घूमे, कोई अलग सा ही एनिमल उसको खाना जाए, उसकी यही चिंता होती रहती है। सो कहने का भी योर पर्सन विल ऑल्सो बी लाइक दैट, आप थोड़ा इधर उधर जाओगे तो हमेशा आपको ट्रैक करेंगे, कहाँ गए हो आप, क्या कर रहे हो आप। कुछ लोगों के लिए इरिटेशन हो सकता है, पर कुछ लोगों के लिए आप बहुत ज़्यादा इस चीज़ को भी अप्रिशिएट करोगे। अगर आप इस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे हो तो बहुत अच्छा बात है, ठीक है। इट इज़ लाइक दैट कि येस ऑफकोर्स मेरे पार्टनर हैं तो मेरे साथ ऐसे ही करेंगे, पर कुछ लोगों के लिए या आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो सकता है। एंड पॉजिटिव मीन्स इट इज़ लाइक द डेमोनिक साइड, इट्स लाइक द डेविलिश साइड। बहुत ज़्यादा किसी के लिए पॉजिटिव होना भी इट्स अ डार्क साइड हो जाता है। सो वहीं पे प्रॉब्लम हो सकती है, हो सकता है कि आपके पिछले पार्टनर इस तरह से ही रहे होंगे और बहुत ज़्यादा डोमिनेटिव, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव, आप कहाँ गए थे, मुझे बोल के क्यों नहीं गए थे, आप मेरे से एक बार बोल के जाते तो क्या हो जाता, टेलीफोनिक कन्वर्सेशंस में काफ़ी ज़्यादा डिबेट हुआ होगा आपके साथ, ठीक है, इस तरह से मुझे दिख रहा है। बट ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेगा। एंड आई डू फाइंड योर पर्सन कैन बी अ विंग कमांडर ऑफ द एयरफोर्स, कुछ लोगों के लिए इनोवेटिव सेक्टर, कुछ लोगों के लिए आई डू फाइंड द इंडस्ट्रीज लाइक यू कैन से टोबैको इंडस्ट्रीज हो सकता है, अल्कोहल रिलेटेड हो सकता है, मेडिसिन रिलेटेड हो सकता है, ओके, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, ठीक है, और कुछ लोगों के लिए वेपन्स, मिलिट्री फोर्स, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है दे आर एक्सट्रीमली गुड शेफ, दे कैन बी यू कैन से दैट दे आर वेरी गुड इन डेकोरेशन, इंटीरियर डिज़ाइन, ठीक है, एंड दे आर वेरी मच आर्टिस्टिक क्रिएटिव पीपल, इस तरह से हो सकता है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपकी रिलेशनशिप कुछ इस तरह से रहेगा इस इंसान के साथ, जाते 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 फिर से वो रुकेगा, थोड़ी देर के लिए वो हॉल्ट करेगा। हो सकता है जिस टाइम से आप उनको मिले और आपकी शादी तक का जो समय है वो एक साल हो या एक साल से ज़्यादा हो, मे बी इट इज़ पॉसिबल फॉर सम ऑफ यू, इट कैन बी डिलेड, ज़्यादा डिले भी हो सकता है, ठीक है, बट आई डू फाइंड लाइक दैट। अभी क्लियर बहुत ज़्यादा मुझे पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा है। ये इंसान के हाथों में एक अंगूठी रहेगा ही, स्पेशली ऑन द राइट हैंड, और ये इंसान के लेफ्ट या राइट आर्म्स में टैटूज हो सकते हैं। ऑफकोर्स ये इंसान की फ्रेंच बियर्ड, अगर ये मेल है, फ्रेंच बियर्ड या मस्टैच हो सकते हैं। एंड ये सारे धर्म में विश्वास रखते होंगे, दे आर एक्सट्रीमली स्पिरिचुअल। आई डू फाइंड बहुत सारे स्पिरिचुअल जगह पे आप लोग विजिट करेंगे आफ्टर मैरिज में भी, आपकी जो मैरिज है वो स्पिरिचुअल जगह पे हो। एंड
जब आप एक दोनों से मिलेंगे ना, तब सारी जो प्रॉब्लम्स है उसका जो समाधान है आपको मिल जाएगा, और जो भी आप नहीं कर पाए थे वो भी आप करोगे इस इंसान के साथ। आई डू फाइंड अ ग्रेट टुगेदरनेस, जहाँ पे जिस तरह से होता है ना कि फादर फिगर लाइक वो चाहते हैं कि सारे घर परिवार सारे जॉइंट मिलके रहे, जैसे दादा, जैसे लोगों की दादा होते हैं, दादाजी होते हैं, कि वो चाहते हैं कि मेरे जितने भी बेटे हैं बहुएं हैं सब एक साथ, मेरे जितना भी पोता और पोती है सब लोग मिल के रहे, ठीक है, कोई किसी में। अभी तो बहुत सारे न्यूक्लियर फैमिलीज हो चुके हैं, पर पहले ज़माने में ना लोग ऐसे ही सोचते थे कि सब लोग इकट्ठा रहे, मिलजुल के रहने में मज़ा है, सेलिब्रेशन करने में मज़ा है, बाहर की लोगों की ज़रूरत ही नहीं होता है अगर बहुत बड़ा फैमिली हो तो। इस तरह से लोगों की मेंटालिटी था उस दौरान, अभी तो बाप रे, अभी सब कुछ जैसे बदल चुका है। सो बट आई डू फाइंड ये आपके जो पर्सन है काफ़ी ट्रेडिशनल होंगे, या उनकी फैमिली की सोच कुछ इस तरह से होगी। शायद वो नहीं चाहेंगे कि आफ्टर मैरिज यू सेटल इन डिफरेंट प्लेस और मे बी स्टेट और कंट्री व्हाटएवर, बट कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस हो सकता है कि आपको नियम कानून फॉलो करना पड़े, या आपकी जब शादी होगी हर एक रीति रिवाज चाहे वो कितने भी कम्प्लेक्स हो आपको फॉलो करना पड़ेगा। मैं डरा नहीं रही हूँ, मैं आपको समझा रही हूँ। ओके सो लेट मी सी, सॉरी, सो कौन है ये इंसान? फॉर वेरी फ्यू पीपल आई कैन सी दिस इज योर पास्ट पर्सन, फॉर वेरी व्यू। तीनों कार्ड ही चाहिए था हमें। ओके सेल्फ क्रिएटेड, सो दिस इज द हाई प्रीस्टेस कार्ड। ये एक लोटस की तरह है, पुष्य नक्षत्र हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन, या पुनर्वसु हो सकता है। आई डू फाइंड पूर्व भाद्रपद उत्तर भाद्रपद नक्षत्र, पूर्वाषाढ़ा उत्तराषाढ़ा, उत्तर फाल्गुनी पूर्व फाल्गुनी। आई डू फाइंड सेल्फ प्रिजर्वेशन द मैजिक कार्पेट एंड सेल्फ क्रिएटर। ये इंसान किसी की दया से नहीं पले बड़े हैं, कीचड़ में पले बड़े होंगे लेकिन इनको कीचड़ कभी नहीं छू सकता। दिस टाइप ऑफ प्योर पर्सन इज दिस लाइक द हाई प्रिस्टेस, जिनके अंदर हाई प्रिस्टेस क्यों बोला जाता है आपको पता है? हाई लेवल प्रिस्टेस एनर्जी मतलब क्या है? जो नन होते थे अभी भी है इन क्रिश्चियनिटी, ओके, ऐसा माना जाता है कि दे आर द मोस्ट ओके प्योर डिवोटेड, जैसे योगी, ठीक है, योगी की अगर हम फीमेल वर्शन देखें, ठीक है, उस तरह से जो सिर्फ आप देखते होंगे अगर आप इस्कॉन में गए होंगे, उस तरह से मतलब पूरी तरह से डिवोटेड टू गॉड, इट्स लाइक दैट। एंड इन जैन कम्युनिटी आल्सो इट्स लाइक दैट, कि बहुत सारे लोग जब दीक्षा लेते हैं सब कुछ मटेरियल सुख समर्पण कर देते हैं, एंड देन दे गो टू द स्पिरिचुअल एरिया, राइट, उस तरह से। तो आपके पर्सन जो भी होंगे, जो भी काम करते होंगे, ईमानदारी से काम करते होंगे, कोई भी गद्दारी वाला काम इन्होंने ना किया है आज तक, ना कभी करेंगे। एंड आई डू फाइंड उनके जो भी जलवे होते हैं, उनकी जो भी चीज़ें वो बनाते हैं, मे बी क्रिएटिव वट एवर इट इज, साइंटिफिक टेक्निकल जो भी फील्ड में हो, काफ़ी ज़्यादा लोगों के लिए काफ़ी खूबसूरत होता है। उनकी बनाया हुआ चीज़ों से लोगों को काफ़ी हेल्प मिलता है। एंड 29 इज़ अ सेल्फ प्रिजर्वेशन, बट ये इंसान जो भी हो उनको खुद को रक्षा करना आता है, ठीक है, और उनको जैसे होता है पिरामिड्स में जैसे ममीफाइड, क्यों ममीज बनाया जाता था, ताकि ऐसा माना जाता था कि आफ्टर लाइफ उनकी जो स्पिरिट है, उनकी जो आत्मा है, इसके अंदर चला जाएगा और फिर ये अपना जीवन जिएंगे। बेसिकली सेल्फ प्रिजर्वेशन इज़ द थिंग दैट ये इंसान को पता है अपने आप को सुरक्षित कैसे रखा जाता है। सो दे आर लाइक दैट, एंड आई डू फाइंड कि क्लैरिटी तो आपको ये ऑफकोर्स देंगे, अगर उनको आपके साथ रहना है तो ये आपको साफ साफ बता देंगे, अगर उनके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है वो भी आपको बताएंगे। कभी कभी इंट्रोवर्ट जैसा भी बिहेव कर सकते हैं ये, जैसे कुछ चीज़ें हैं जो आपसे छुपाना वो बेहतर समझ जाएंगे अगर ये आपकी सेकेंड टाइम या थर्ड टाइम रिलेशनशिप है।
सो मे बी इट इज़ लाइक दैट कि वो अपना पिछला जो है हिस्ट्री आपके सामने बोलना नहीं चाहेंगे बिकॉज दे विल फील लिटिल ऑकवर्ड, ऐसा भी हो सकता है। यहाँ से हम देख लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे। ओके, योर चाइल्डहुड फ्रेंड भी हो सकता है, आपके बचपन के दोस्त या आपके सोलमेट, सिक्स ऑफ कप्स, विल यू एक्सेप्ट माई प्रपोजल, हो सकता है कि वो आपको बोले या आप उनको कहें। फॉन्ड ऑफ कॉस्मेटिक्स, कॉस्मेटिक्स उनको बहुत अच्छा लगता है, अच्छा है फिर। ओके, आई डू फाइंड टेस्टिंग योर कमिटमेंट्स, चेकिंग योर पेशेंस एंड लॉयल्टी, ये रिलेशनशिप दिख मतलब आपको बहुत कुछ सीख देगा। मैंने आपको इसलिए बताया था कि यहाँ पे चैरियट है, यहाँ पे हैंग्ड मैन है, कभी कभी रुकावट होगा ही इस रिलेशनशिप में, लेकिन इसमें भी आप बहुत कुछ सीखेंगे और यूनिवर्स आपकी कमिटमेंट, आपकी पेशेंस लेवल वो तो चेक करेंगे। बेयर वेरी मच रिस्पॉन्सिबल, यहाँ तो ऐसे हमें टाइग्रेस मिला, यहाँ पे हमें बेयर मिला। बेयर जो है, भालू जो है, वो अपने बच्चे का बहुत ज़्यादा, हाँ हर माँ ही करते हैं प्रोटेक्शन, बट बेयर इज ओवर प्रोटेक्टिव, आई टोल्ड यू ना, ओवर प्रोटेक्टिव पॉसेसिव नेचर। बोल्ड ब्रेव एंड करेजियस, बहुत हिम्मत वाले होंगे, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा अगर वो समाज के सामने कुछ जाके ऐसा कुछ कहे जो समाज के लोगों को लगे यार ये क्या बोल रही है, ये क्या बोल रहा है। दे कैन स्टैंड फॉर देमसेल्फ, उनको किसी की जरूरत नहीं है, उनको फर्क नहीं पड़ता है कि कौन उनको सपोर्ट कर रहा है या कौन उनको सपोर्ट नहीं कर रहा है। आई वॉन्ट इक्वल गिव एंड टेक इन रिलेशनशिप, तो वो चाहेंगे आपसे कि आप इक्वली उनके साथ बर्ताव करें। 100% कमिटेड टू यू, मैंने आपको यही बताया, ईमानदार ईमानदार ईमानदार, ठीक है, आजकल ईमानदारी कम ही होते हैं। ओके, बिलीव इन इम्पॉसिबल, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल चीज़ों में भी विश्वास रखते हैं बोल के, ये हमेशा एक विनर रहे हैं, एक विनर स्पिरिट हमेशा आप इनके अंदर मिलेगा। सो फर्स्ट कार्ड हमारे पास है लाइक अ बर्ड, चिड़िया की तरह मासूम, चिड़िया की तरह इंडिपेंडेंट और चिड़िया की तरह बहुत सारे जगह पे ट्रेवल करना। चेंज ऑफ सीजन्स, बदलाव आप इनमें काफ़ी देखेंगे या इनकी ज़िंदगी में काफ़ी हद तक बहुत कुछ बदल चुका है। 28 कैन यू हियर मी, 28, 42 एंड 22 कैन बी इम्पॉर्टेंट, क्या आप मुझे सुन सकते हैं, क्या आप मुझे सुन सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा ये फ़ोन पे आपके साथ बात करना पसंद करेंगे। देख लेते हैं इनिशियल्स ऑफ दिस पर्सन, दैट्स इट, आई विल नॉट टेक मोर। यहाँ पे ई है, ओ डी, डॉपलैंगर मतलब आप, हो सकता है कि इनके जैसा सिमिलर लोग आपको दिखना शुरू हो जाए जब ये आपके करीब आने आएंगे, ठीक है। सिमिलर, डॉपलैंगर इज लाइक सिमिलर, ओके, पता नहीं मुझे लगा इसलिए मैंने आपको कहा, दैट इज कॉल्ड माय इंट्यूशन। इनके जैसे आपको दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है, ऐसे ही हूबहू ऐसे दिखने में या थोड़ा बहुत सिमिलर, ओके। ओके, रितु किसका नाम हो सकता है, आरोही हो सकता है, प्रियांश हो सकता है, पीयूष हो सकता है, ओके। दे कैन बी अ डॉक्टर, दे कैन बी अ साइकियाट्रिस्ट, दे कैन बी अ, यू कैन से हीलर, ओके, दे कैन बी रिलेटेड टू द मेडिकल फील्ड, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ, यू कैन से मेडिकल कंपनीज, ओके। ENT, they can be a doctor of, you can say like ear, nose, throat, ENT specialist, child specialist भी हो सकते हैं, okay, they can be your ex also, okay, अरूप हो सकता है किसी का नाम, okay, अपूर्व हो सकता है किसी का नाम, ओके, सपना हो सकता है किसी का नाम, बाकी आप लोग देख लेना, ठीक है। 4, 8, 1 and 5 कैन बी देयर लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है,
ओके सो एक क्लिक कर लेना स्क्रीनशॉट एंड दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट. आपने अच्छे से समझा, आपको मैंने क्लैरिफाई किया है. तो प्लीज़ एक हम्बल रिक्वेस्ट है, कमेंट सेक्शन पे ज़रूर क्लेम करें रीडिंग को, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें एंड इंस्टाग्राम में फॉलो करें. थैंक यू सो मच फॉर बींग विथ मी. लव यू लॉट एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड टिल देन डोंट फॉरगेट टू वॉच डिविनिटी.